देखिए मैडम, एक बात बता देता हूँ आपको, पुलिस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं सच कहूँ तो मैं आपके घर पे चोरी करने आया था, लेकिन आप डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। मैं कोई चोर नहीं हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे चोर बनना पड़ा। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी जो मैं आपके घर पहुंच गया। अगर मैं नहीं आता तो आप अपनी हालत सोच के देखिए, वो आपका वीडियो बना के वायरल कर देता। देखिए मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा, आप गाड़ी निकालिए। पुलिस? मैडम डरना मत, अगर पुलिस वाला आपसे पूछे ना तो आप कहना कि मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, मैं सीट के नीचे छुप जाता हूँ। इतनी रात में कहाँ जा रही हैं आप? फिल्म देखने जा रही हूँ। ठीक है जाओ। फिल्म देखने जा रही है सर? कौन सी फिल्म, कौन से थिएटर में, ये भी तो पूछो। अगर कौन सी फिल्म पूछे ना तो बोलना दृश्यम फिल्म, और थिएटर का नाम पूछा तो बोलना सत्यम, सत्यम थिएटर। कहाँ जा रही हो? फिल्म देखने सर। कौन सी फिल्म? दृश्यम। किस थिएटर में? सत्यम। ठीक है जाओ। वो दृश्यम फिल्म देखने जा रही है सर? दृश्यम में अजय देवगन खुद मर्डर करता है और लाश को छुपाकर पुलिस वालों को घुमाता है सर। हाँ, लेकिन वो सब तो फिल्मों में होता है, हमारे साथ थोड़ी होगा। ये कौन सी जगह है? रुकिए, गाड़ी रुकिए। मैडम आप 10 मिनट यहीं रुकिए, मैं जाके आता हूँ। मैडम सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, ये लास्ट में कैसेट बचा है तो मैं आपके सामने ये तोड़ देता हूँ। अब आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं अपना बैग ले लेता हूँ। अब आप जा सकती हैं। एक बॉडी यहाँ भी पड़ी हुई है सर।
उसी कचरे के ढेर में एक और लाश मिली है। सर जब मैं इधर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये बहुत बात आ रही थी, तो ये तो दीपक भाई है। ए, इसे किसने मारा? अधिकारी डीसी सत्या को यहाँ कर सच में मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मैडम, जबकि साइबर किलर ने उन्हें सिर्फ एक लाख की जानकारी दी थी। अंदर माँ है ना मैडम, जब भी मैं तकलीफ में था तब आपने पैसे देकर मेरी मदद की। आज मेरा जो कुछ भी अच्छा है वो सब आप ही की वजह से मैडम। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं जेल चला जाऊंगा। मेरी माँ और मेरी बीवी मित्रा को आप संभाल लीजिए। पल्लीकरण में दो लाश मिलने की वजह से पूरा शहर शॉक में है। जो लाशें मिली है वो किसकी लाशें हैं, उनका नाम क्या है, इसकी जानकारी बस थोड़ी देर में डिप्टी कमिश्नर डीसी सत्या देने वाले हैं। अब उस लाशों के बारे में सबको सब कुछ पता चल जाएगा। पिछले 8 महीनों में चेन्नई सिटी में जिस साइको किलर ने खून किए हैं वो ये है। जो बुजुर्ग अपने घरों में अकेले रहते हैं ये उन्हें ढूंढता है, उनको मारता है और उन्हें तड़पते हुए मरता देखकर ये खुशी महसूस करता है, इसीलिए ये ऐसा करता है। हाल ही में जो बॉडी मिली है उसमें से एक तुकम्मा में, जो डबल मर्डर हुआ था उसमें से एक 22 साल के लड़के की लाश है। ये लड़का उस खून को रोकने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से इसने उसको बेरहमी से मार डाला। और ये जो दूसरी लाश है वो उसकी है जिसकी गाड़ी में ये लिफ्ट मांगकर जा रहा था। जब ये उस लाश को कचरे के ढेर पर फेंकने गया तो उसके खून का धब्बा उसके शर्ट पर लग गया, और जब गाड़ी वाले ने खून के धब्बे के बारे में पूछा तो इसने भी उसे पत्थर से मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तिरुवानी में जो मर्डर हुआ यानी बिल्डर समुद्रन का भी खून इसी ने ही किया है। यानी अब तक जो 17 खून हुए हैं वो इसी ने किया है, ये बात ये कबूल कर चुका है। थैंक यू। अब उनके बड़े भाई को और दीपक को इसी साइको किलर ने मारा है। पुलिस हम तक पहुंचे उसके पहले। चलो चलो चलो। सर सर सर, समुद्रन का जिसने खून किया वो ये नहीं है सर, वो कोई दूसरा गैंग है। और जो दूसरी बॉडी मिली है उसका खून भी इसी ने किया होगा सर। आई थिंक किसी और ने मार के उसे वहाँ फेंका है। ऐसा है क्या? तो मैं प्रेस में ये कहकर आ जाता हूँ कि जो मैंने कहा वो सही नहीं है। तुम फाइल लेकर सफाई देते रहना सर। अरे भाई, वो जेल के अंदर PhD थोड़ी करने वाला है। जब उसने इतने खून किए हैं तो ये भी उसी के सर रहने दो ना। डैडी, मुझे चॉकलेट चाहिए। हे, जब देखो केक और चॉकलेट है, वो सब यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो कॉफी शॉप है, वहाँ पे मिलेगा। ये सब तुम्हें कैसे पता है? कैसे पता? चलो दिलाता हूँ। I love you. Java. अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये सब यहाँ पर मिलता है? ब्लैक फॉरेस्ट। सर, हिंदी की किताब है सर, बच्चों के लिए। जाओ सर, जाओ बच्चों को हिंदी में पढ़ाना। प्लीज सर, वो हिंदी पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे सर। सर ओके, आ जाओ, यहाँ बैठो। यस, गुड मॉर्निंग। वन ब्लैक फॉरेस्ट, वन टी शुगर फ्री। एनीथिंग एल्स सर? नहीं बस। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम लेफ्ट कॉर्नर सर। ओके। हिंदी अंकल को कांग्रेट्स बोलो। गॉट समथिंग फॉर यू। फॉर मी? आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। व्हाट इज इट? शीबा, इसे मेरे पास ही रहने दो। ये मेरा मोस्ट वैल्यूएबल पर्सनल कलेक्शन है। हे शीबा, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना, वो बात मैं सत्या को कभी नहीं बताऊंगी।
तुम मेरे साथ विश्वासघात मत करना और मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी, मुझ पर यकीन करो। एक औरत के अंदर जो रहस्य है वो बाहर ना आए उसे एक औरत ही रोक सकती है।